हाय एवरीवन दिस इज अनम वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन मैंने इस वीडियो में इग्नू के 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एच एंट्रेंस एग्जाम 2021 जैसे कि आपके एग्जाम के लिए लेस देन 20 डेज ही रिमेनिंग है इसलिए मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है मैंने इस वीडियो में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं और आपका एक्चुअल एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा इसलिए आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा आल्सो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है द फी इज जस्ट 499 सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है और आपका जो पेपर होता है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेक्शन ए आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है एंड सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है सो so, अब इन कम डेज में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है हम आपको अपने कोर्स के थ्रू बताएंगे सो so, इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स नोट्स मॉक टेस्ट एंड एमसीक्यूज की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं सो इन कम डेज में आप रिसर्च मेथ्रोलॉजी का कैसे सिलेबस कवर कर सकते हो कि हमारे कोर्स में हमने जो नोट्स और मोकटेस प्रोवाइड किए हैं आप एक वीक में ये नोट्स और मोकटेस को आप स्टडी कर सकते हो उनको सॉल्व कर सकते हो और नोट्स में हमने जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस uh, होता है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको हाईलाइट किया है और उसी तरीके से मोक्टेस में जो भी क्वेश्चन होते हैं हमारे उसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन होता है कि वो पर्टिकुलर आंसर क्यों राइट right है और क्यों रॉन्ग है So, इसी तरीके से आप एक वीक में नोट्स और मॉक टेस्ट दे सकते हो, देन उसके बाद आपको जो हम पी प्रोवाइड करेंगे इस पी में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली पेट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं सो so, इस पीडीएफ से आप आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक्सपेक्ट कर सकते हो और इस पीडीएफ को आप, एग्जाम एक आप, एग्जाम को कर कर तो आप आपके एग्जाम के दिन पहले करिए और में टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन डायरेक्टली मार्क करके आओगे ऐसी हमारी गारंटी है सो रिसर्च मेथोडोलॉजी की गारंटी पूरी हमारे पर है कि हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे अब रही बात आपके सेक्शन बी की सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है सो so, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन और जो मास्टर्स डिग्री में आपके पास जो भी स्टडी स्टडी मटेरियल 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 था आप उसको फॉलो करिए इन केस आपके पास सेक्शन सेक्शन बी बी का का नहीं है सो so, हम का भी प्रोवाइड कर रहे हैं सो so, ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है सो so, याद रखिए हमें क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम डेज बचे हुए हैं और हमें बहुत कॉल्स आ रहे हैं सो so, आपको प्रॉपर मैसेज करना है कि आपको कौन आपको किस यूनिवर्सिटी से हो और आपको कौन से सेक्शन का स्टडी मटेरियल चाहिए एंड हमारे ऐप को भी डाउनलोड करिए जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी फ्रॉम प्ले स्टोर सो इस ऐप पर हम आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट नोट्स और हम आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं सो so, इस ऐप को कैसे एक्सेस करना है मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया है बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग इग्नो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 हम आपके लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री नोट्स लेकर आए हैं इस स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं इन द फोर्थ स्टेप डाउनलोड आवर ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप आप को इंस्टॉल करना है यूजिंग योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन द सेकंड स्टेप ऐप इंस्टॉल होने के बाद गो इनसाइड द ऐप एंड सेलेक्ट द कैटेगरी IGNOU PET PhD entrance. Then in the third step category select karne ke baad you can access the four free video lecture, two free mock tests and two free PDF notes. To join our course, visit our app Global Online University, in which you will get 700 plus MCQs PDF, full syllabus notes, 10 full syllabus mock test and full syllabus video lecture. So hurry up and grab this opportunity and let's begin with the video. First question The type of research which allows the researcher to gain a better concept and provides direction in order to initiate a more structured research is termed as. This question a definition given or may find out कि definition research definition. अब इस डेफिनेशन में हमें क्या गिवन है कि एक रिसर्च है उस रिसर्च research में रिसर्चर किसी भी को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसको फर्दर आगे एक स्ट्रक्चर रिसर्च रिसर्च की तरफ मूव करते हैं so, वो कौन से हो हमें ये फाइंड आउट करना है सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए फंडामेंटल रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है जिसमें रिसर्चर न्यू थ्योरीज न्यू कॉन्सेप्ट न्यू आइडियाज सारी चीजें डेवलप करते हैं ताकि वो उनकी नॉलेज को इंक्रीज कर सके और वो, वो अपनी क्यूरोसिटी को फुलफिल करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर को एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते बेटर अंडरस्टैंड नहीं करते और उसको ना ही एक आगे स्ट्रक्चर रिसर्च की तरफ मूव करते है आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च

कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं so, पर कंक्लूसिव रिसर्च में भी रिसर्चर किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं और ना ही किसी रिसर्च को आगे एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की तरफ मूव करते हैं That's why पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सो यहाँ पर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिकॉज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी प्रॉब्लम जो कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है वो वो well जो नहीं well नहीं है, उसको करने की कोशिश करते करते आप वो area को explore करते, जिसके बारे में आपको थोड़ी-बहुत हो, जैसे जब आई थी, okay, COVID virus नहीं, नया आया था ये वायरस तो रिसर्चर ने पहले क्या किया होगा पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तो परफॉर्म किया था पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्चर ने परफॉर्म किया ये देखा वो प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड किया एंड देन उस प्रॉब्लम के बारे में वो प्रॉब्लम के बारे में सारे अंडरस्टैंडिंग कर लिए एंड देन फॉर द स्ट्रक्चर्ड रिसर्च रिसर्च की तरफ मूव कर लिए सो so आपको याद रखना है एक्सप्लोरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होती है बल्कि यहाँ पर आप कोई चीजों को एक्सप्लोर करते किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं सो so अगर आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में और जानना होता है तो आप कोई स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं करोगे आप जिक्जैक्ट मैनर में आप किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कोई कॉन्सेप्ट कोई उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्च ऐसे जिसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और देन उस रिसर्च को आगे फर्दर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की तरफ मूव करते हैं दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नेक्स्ट द सैंपलिंग टेक्निक अंडर व्हिच पॉपुलेशन इज डिडेड इन टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द रिसर्चर ड्रॉज सैंपल इज कॉल्ड इस क्वेश्चन में अगेन हमें एक डेफिनेशन गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है ये कौन से सैंपलिंग की डेफिनेशन होगी तो so, ऐसे सैम्पलिंग जिसमें रिसर्चर क्या कर रहे हैं कि एक सैंपलिंग टेक्निक है जिसको आप कहते हैं सैम्पलिंग मेथड है जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में एंड देन उस ग्रुप से रिसर्च अपने सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो so, वो सैंपलिंग होती है सो so, में रिसर्चर किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हैं मान लो ये जो आपको इस डायग्राम में देखना है ये एक है आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन so, स्टेटिफाइड सैंपलिंग में आप आपकी जो पॉपुलेशन होती है आपके पास जो पॉपुलेशन होती है वो हेड्रोजीनियस होती है देन हेड्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजिनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो होता तो होता। अब ग्रुप्स में आप कैसे डिवाइड करोगे तो so, पर इस पॉपुलेशन में फीमेल है मेल से चिल्ड्रन है सारे ग्रुप के लोग से एक दूसरे से so, पर मेन को फीमेल को एंड वीमेन को एंड यू कैन से चिल्ड्रन को इन तीनों को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर लिया जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स आप इसको कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हर एक ग्रुप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक दूसरे से अलग है इस ग्रुप में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर इन ग्रुप से रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेंगे अब कैसे सिलेक्ट करेंगे रिसर्चर यहाँ पर मान लीजिए रिसर्चर को इस ग्रुप में से रिसर्चर ने रैंडमली इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया इस ग्रुप में से इस पर्सन को सिलेक्ट कर लिया और इस ग्रुप में से इन पर्सन को सिलेक्ट कर लिया तो so, ये रिसर्चर के सैंपल बन जाएंगे और इस पर रिसर्चर

और जो ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हो वो पूरा आप एक पूरा ग्रुप ही ले लेते हो रैंडमली आप ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ पर क्या बताया है ग्रुप में से आप पॉपुलेशन जो आपका ग्रुप बना लेते हैं उसमें से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में आप डायरेक्टली ग्रुप ही चूज कर लेते हो पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी स्नोबॉल सैंपलिंग स्नोबॉल सैंपलिंग ये क्या होता है जिसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट को कहते हैं कि और सैंपल सेलेक्ट करके लाओ तो पर स्नोबॉल सैंपलिंग तो नहीं होगी दैट्स पर आपको ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा देन सैम्पलिंग कोटा सैम्पलिंग में भी जो रिसर्चर के पास पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा अमाउंट uh, में पॉपुलेशन होती है जिसमें रिसर्च पॉपुलेशन में से पर्सन uh, को अपने कन्वीनियंस जजमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं सो so, यहाँ पर ये जो आपको डेफिनेशन गिवन है ये कोटा सैम्पलिंग की भी डेफिनेशन नहीं है दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्टैटिफाइड नेक्स्ट एज इज एन एग्जांपल ऑफ विथ स्केल ऑफ मेजरमेंट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो एज होती है वो कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल हो गया अब रिमेंबर आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होते है उसके फोर टाइप्स होते हैं आपको इस तरीके से याद रखना है नॉयर और डिवाइड कर लोगे एंड एज वेल एज ऑर्डिनल में आप एक ऑर्डर में अरेन्ज करते हो आपके डेटा को देन इंटरवल में ऑर्डिनल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए बस इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होगा आप उसको इक्वल uh, इंटरवल्स में अरेंज करो एक नंबर्स में एक इक्वल नंबर्स में अरेंज करोगे और इंटरवल में आपके जो जीरो होता है जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है उसी तरीके से ratio, ratio में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और रेशो में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है आपको याद रखना है सो so एज इस क्वेश्चन में आपको एज पूछा गया है एज कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जांपल होगा सो एज आपका होता है रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जांपल क्योंकि एज को आप उनके कैटेगरीज के बेसिस पर भी एज को डिवाइड कर सकते हो तो ये रेशो में हो सकती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स देन एज को एक ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो अपने जैसे फाइव इयर्स के फिर टेन इयर्स के लोगों को अरेंज कर एक ऑर्डर में अपने लोगों को अरेंज किया उनकी एज के बेसिस पर तो आप ये भी कर सकते हो रेशो में ये भी पॉसिबल है देन अपने एक इंटरवल में अरेंज किया मान लो आपने पहले दो साल के बच्चों को ले लिया फिर फो, फोर ईयर्स के देन सिक्स के तो आपने एक इंटरवल लिया आपने दो के बाद दो का ही गैप छोड़ा है फिर फोर ले लिया फिर फोर के बाद आपने अगेन टू का गैप रखा है फिर सिक्स ले लिया फिर इसी तरीके से आपने एक इंटरवल लिया है देन उसी तरीके से आप इंटरवल ये आपके रेशो के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया और एज में भी आप ऐसा कर सकते हो देन रेशो रेशम में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है उसी तरीके से अगर मान लो आपकी एज जीरो है आपकी आपकी एज जीरो कब होगी जिस दिन बर्थ हुई है जिस दिन आपकी, जिस दिन दिन आपके आप पैदा हुए थे सो so, उस दिन आपकी एज जीरो होगी दैट्स डट्स बायम में जीरो का मीनिंग होता है उसी तरीके से एज में जीरो का भी मीनिंग होता है दैट्स बाय जो एज होगी आपकी वो रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का एग्जाम्पल होगी डट्स बाईर आप आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट All the elements of of population with proper identification that is is available for selection at any stage of sampling is called. आउट करनी है कि किस की उस पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है जिसके थ्रू आप उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस वे में और उस एलिमेंट से आप आपका सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हो तो so, ये कौन से ऑप्शन की डेफिनेशन होंगे हमें ये फाइंड आउट करनी है तो so, मान लो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जैसे आपको इस डेफिनेशन में बताया हुआ है कि आपके इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है मतलब उनका नेम एड्रेस प्रॉपर वे से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और यहाँ से आपका सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो so, आपके पास एक लिस्ट है जिसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसके थ्रू तो आप उसको आइडेंटिफाई सकते हो एंड इस लिस्ट से आप सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे तो so, ये हो जाएगा आपका ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन सो so, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है जिसमें आपके पास एक लिस्ट होती है उसमें पॉपुलेशन के सारे मेंबर्स होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करते हो एंड यहाँ से आप आपका सैंपल सेलेक्ट कर देते हो सो सैम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम Then, यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या होता है ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन सैंपलिंग यूनिट क्या होता है आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया सैंपल के एक एक पर्सन को आपका हो गया इंडिविजुअल कोई पर्सन को आपका हो गया वो आपकी सैंपलिंग यूनिट है सो ये सैंपलिंग यूनिट की भी डेफिनेशन नहीं है जब यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी यूनिवर्स यूनिवर्स क्या होगा पॉपुलेशन जिसमें आप जिसके थ्रू आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन में से आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो so, ये पॉपुलेशन की और ये यूनिवर्स की डेफिनेशन नहीं दैट्स व्हाई ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैंपलिंग फ्रेम सो यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अ लॉजिक व्हिच इंक्लूड्स ड्राइंग कल्मिनेशन इंफेरेंस फ्रॉम गिवन लिस्ट ऑफ सर्टेन फैक्ट्स

डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग एंड ऑब्जक्टिव रीजनिंग रीजनिंग क्या होती है आपके पास स्पेसिफिक आप किसी चीजों पर ऑब्जर्वेशन करते हो किसी को और कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप जर्नल कंक्लूजन देते हो और जर्नल थियोरी डेवलप करते हो यह हो गया आपका इंडक्टिव रीजनिंग जो कि आपकी qualitative research की आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप आती है क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो इंडक्टिव रीजनिंग अप्रोच अप्रोच होती होती है inductive approach होती है इंडक्टिव देन डिडक्टिव में एक जर्नल रूल होता है मतलब आपके पास जर्नल थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कोई फैक्ट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं और उसको उस पर आप कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन देते हो और कोई रिजल्ट फाइंड आउट करते हो सो डिडक्टिव आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है

कोई कंक्लूजन दे रहे हो, तो so, वो आ जाएगा आपका डिडक्टिव रीजनिंग में, दैट्स वह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, डिडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट, डी टर्म यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टू रिफ्लेक्ट द रेस्ट्रिंग इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन कि � की डेफिनेशन अब यहाँ पर क्या बता रहा है है कि टर्म एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्च में। so, में आप जबी भी so, में तो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते उस केस आप restrain, मतलब कोई चीजों को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते है जिसमें रिसर्चर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में 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 और और क्या 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 होता है? है है? है? का का हो रहा है? Dependent variable पर ये 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 करते हैं। हैं हैं अब इस कुछ होते होते इन जो पार्ट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं so ऐसा ना हो इसलिए रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं में जिन टर्म्स को uh, को कंट्रोल किया जाता है जिसे हम कहते हैं so, पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में जिस वेरिएबल को रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे वो होते हैं आपके कंट्रोल वेरिएबल वेर यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी सी गिवन है वैल्यू वैल्यू तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है

डिफाइन करने की कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की और उस एरिया को जो कि थोड़ा बहुत जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसर्चर को मालूम होता है उसको उस एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं अब रिसर्चर किसी भी एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं सो so किसी भी वैसे कर सकते हैं क्योंकि पता नहीं है कौन से से उनको डेटा मिल जाएगा कौन से से वो डिफाइन कर सकते हैं कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो कैसे भी एग्जैक्ट वे में, में रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्च कोई स्टेप्स और किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी लूजली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च डिजाइन होती है देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है कंक्लूसिव कंक्लूसिव रिसर्च में आप कोई कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो और कुछ डिसीजन लेते हो तो कंक्लूसिव रिसर्च में आपको डिसाइडेड होता है कि मुझे कंक्लूजन फाइंड आउट करना है कुछ डिसीजन लेना है तो कंक्लूसिव रिसर्च जो, जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है तो आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और उस इन्फॉर्मेशन को आपको एनालाइज कर एज इट इज उस करमेशन को डिस्क्राइब करना होता है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आपको पता होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको क्या करना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है स्ट्रक्चर्ड so, होती है सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी कॉजल कॉजल रिसर्च में आप कॉस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सो सोजल रिसर्च में भी आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है सो कॉजल रिसर्च जो होती है ये भी आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so, जो लूजली स्ट्रक्चर रिसर्च होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जिसमें आपको पता नहीं होता कि आप किस वे से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है क्योंकि आ, किसी भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दैट्स पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो कि लूजली स्ट्रक्चर होती है नेक्स्ट अ स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नीट्यूड ट्रेंड और बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसी पॉपुलेशन के मैग्निट्यूड ट्रेंड और बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है So, कौन सी हाइपोथेसिस होंगे हमें ये फाइंड आउट करना है सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस तो बता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है सो so, यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि इस डेफिनेशन में नहीं दच्छा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बताती है कि कुछ ना कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है लेकिन ये डेफिनेशन में भी हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी, भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या होती है इसमें एक स्टेटमेंट होता है जो आपके जो स्टडी है आपकी जो स्टडी का टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करती है जैसे यहाँ पर एक है, तो की याद रखना है descriptive. So, descriptive भी जैसा कोई फेनोमेना को डिस्क्राइब करती है उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस भी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो किसी स्टडी का जो टॉपिक होता है आपका उसके बारे में कुछ चीजों को डिस्क्राइब करती है जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन ने उसके मैग्नेट्यू ट्रेंड और बिहेवियर जो स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च स्टडीज व्हिच डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी विद व्हिच समथिंग अकर्स और इट्स कॉजल एसोसिएशन विद समथिंग एल्स इज कॉल्ड इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है हमें फाइंड आउट डेफिनेशन डेफिनेशन किस रिसर्च की होगी अब इस डेफिनेशन में हमें ये गिवन है कि एक रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली फेनोमेना जो अकर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के काम आती है और जो कोई किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है वो कौन सी रिसर्च होती है वो रिसर्च होती है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च तो डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी फेनोमेना जो फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है कोई फेनोमेना उसको डिटरमाइन करने के काम आती है और किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपका आपको जो भी डिसीज हुई आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हो अब मान लीजिए आपने बताया स्टमक पेन है तो डॉक्टर उसको देखेगा आपको और बताएगा कि ये किस वजह से हुई उस प्रॉब्लम का डॉक्टर कॉज बताता है कि आपको आपको कैसे हुई है ये प्रॉब्लम डिसीज ये जो भी डिसीज हुई है वो किस वजह से हुई है आपका स्टमक क्यों पेन हो रहा है सो so, ये डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक वर्ड में ही डायग्नोस किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट Uh, किसी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करना सो so, ये डेफिनेशन होगी आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च की देन यहाँ पर आपको ऑप्शन एगीवन है फॉर्मुलेटिव रिसर्च फॉर्मुलेटिव रिसर्च को रिमेम्बर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी फेनोमेना को किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइन नहीं है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का कॉज रिसर्चर फाइंड नहीं करते देट पाई अगर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी फेनोमेना को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो यहां पर आप किसी प्रॉब्लम का अगेन कोई कॉज फाइंड आउट नहीं करते हो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज उट करते हो आप जो प्रॉब्लम हो रही है उसका किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं फाइंड आउट करते हो आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज फॉर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो ट्रीटमेंट वर्ड है ये कौन से वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है हमें ये फाइंड आउट करना है तो so, ट्रीटमेंट जैसे मान लो रिसर्चर और यू कैन से डॉक्टर जो होते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करते हैं तो डिसीज को जब ट्रीट करते हैं रिसर्चर और डॉक्टर्स तो क्या करते हैं उसके अगेंस्ट ड्रग डेवलप करते हैं तो ड्रग डेवलप करते हैं so, तो यहाँ पर डिसीज है कोई पर्टिकुलर उसको ट्रीट कर रहा है ड्रग डेवलप कर रहा है उसके अगेंस्ट तो रिसर्च यहाँ पर क्या करेंगे कि इन लोगों किसी लोगों को एक्चुअल ड्रग देकर देखेंगे और किसी लोगों को प्लेसिबो प्लेसिबो देंगे फ्लेसीबो का मतलब है ड्रग द्र, नहीं देंगे वो कुछ और हो सकती है कुछ और गोली हो सकती है कुछ और टेबलेट हो सकती है सो so, यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे ड्रग है ड्रग का लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं ये देखने के लिए वो ह्यूमन बॉडी पर कैसा अफेक्ट कर रहा है तो so, उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उसको मैनुपुलेट कर सकते हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं सो so, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हैं सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को तो आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी इंटरवीनिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है जो तो आपको बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम ये देखते हैं सो so, ये किस वजह से हो रहा है बीच में क्या लिंक है इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल सो इंटरवीनिंग वेरिएबल को आप इंटरवीनिंग वेरिएबल का अनदर नेम ट्रीटमेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट नहीं है दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो हियर ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो यहाँ आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा एंड Thank you for watching this video. Good luck with your preparations and press the bell icon to never miss any updates.